स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी को हमने पढ़ लिया था, और उसमें किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल रहा, उन्होंने किस तरीके से आजाद हिंद फौज को फिर से रीऑर्गेनाइज किया, उनकी मृत्यु कैसे हुई, कैसे उन्होंने हिटलर को फेस किया, हिटलर को मनाया, हिटलर ने किस तरीके से उनको नेताजी की उपाधि दी, फिर किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी, ये सारी स्टोरी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख ली है। अब चलते हम लोग आगे पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। ठीक है, क्रिप्स जब सेकेंड ये भी सेम, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस वाला हिस्सा था वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही था, और ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ही टाइम है। तो क्रिप्स मिशन यानी ये जो बंदा दिख रहा है ना, ये इसका नाम था क्रिप्स। ये भारत आया था इसलिए कि गांधी जी से ये कह सके कि गांधी जी आप ना आप लोगों से कहिए कि और वो अंग्रेजों के तरफ से लड़े, अंग्रेजों की तरफ से लड़े किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। यानी क्रिप्स आया था भारत में ये प्रस्ताव लेकर के कि गांधी जी जैसे आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोगों को रिक्रूट किया था और हमने आपको सार्जेंट की उपाधि दी थी, इसी तरीके से आप इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमारी हेल्प कीजिए, लोगों को रिक्रूट कीजिए ताकि वो आर्मी में जो कि भर्ती हो जाए और हमारी तरफ से लड़े इसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। बात समझ आ रही है, उसी के बारे में सारा का सारा स्टोरी हम लोग यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, तो मार्च 1942 यानी कि ये जो पर्सन था क्रिप्स, इसका यही प्रस्ताव लेकर के भारत में आया, तो इसी के नाम पर वो क्या पड़ गया, क्रिप्स मिशन। ठीक है, नाम पड़ गया उसका। तो क्रिप्स मिशन कहेगा कि भारत में कब आया, तो मार्च 1942 तब, मार्च 1942। ठीक है, मार्च 1942 इसलिए आया था, तो युद्ध में हेल्प मांगने के लिए, फॉर हेल्प। ठीक है, वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है क्योंकि 1939 से स्टार्ट हो चुका है, वहां पर जर्मनी वाले इन लोग को छोड़ रहे थे एकदम बेहतरीन तरीके से, तो सैनिकों की कमी हो गई थी, तो इसलिए ये लोग क्या कर रहे थे कि और सैनिक क्या करें, रिक्रूट किया जाए। वैसे ही इन लोगों ने 3 लाख सैनिकों को ऑलरेडी बिना किसी से पूछे ही क्या कर दिए थे, कह दिए थे कि हमारे तरफ से लड़ेंगे, उन्हें और सैनिकों की जरूरत थी, तो वहां से ब्रिटेन से कौन आया, क्रिप्स आया था प्रस्ताव लेकर के कि और सैनिकों को क्या किया जा सके, रिक्रूटमेंट किया जा सके। ठीक है, और इसने क्या कहा, इसने ऑफर क्या दिया कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और सैनिक हमारी तरफ से लड़ेंगे तो हम इंडिया के बारे में युद्ध के बाद कुछ अच्छा सोचेंगे। समझ आ रही है, हम इंडिया के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे। तो उसने ऑफर क्या दिया, ऑफर दिया इफ इंडियन विल फाइट, Against Germany. ठीक है, अगेंस्ट जर्मनी, देन ब्रिटिश विल थिंक
अबाउट गुड विल थिंग्स गुड अबाउट इंडिया या अबाउट इंडिया अबाउट इंडिया बात समझे। अब ये बात इसने इससे आकर के कही गांधी जी से, ठीक है, ये बात आकर के गांधी जी से कही, कहा कि देखिए गांधी जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कि आपने रिक्रूटमेंट करवाया था तो हमने आपके बारे में अच्छा सोचा था, आपको टाइटल दिया था ना, इस बार भी आप हमें रिक्रूटमेंट करवाइए, हम आपके बारे में भी अच्छा सोचेंगे। तो गांधी जी बोले हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुम लोगों ने हमसे रिक्रूटमेंट करवाया और 1919 में क्या कर दिया फिर जो कि जलियांवाला हत्याकांड, ऊपर से जो कि अलग अलग जो कि लाठी चार्ज करवा दिए, इतना मारी मारा हुआ, अच्छा सोचे थे। तो गांधी जी ने इसके जो प्रस्ताव था, इसका जो ऑफर था, उसको कहा कि एक पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक, समझ आ रहा है क्या? गांधी जी ने इस प्रस्ताव को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। गांधी सर दिस ऑफर, दिस ऑफर इज लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब क्या होता है? जब हम लोग चेक के बारे में पढ़ रहे थे मैंने बताया कि किसी भी चेक का जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने की होती है, है ना, 3 महीने की होती है। अब इस 3 महीने के बाद अगर तू जाएगी बैंक में उस चेक को डालने तो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से गांधी जी ने क्या कहा कि तुम लोग अभी युद्ध है, युद्ध में हम लोग को जुमला दे रहे हो, मतलब कि नीति नीति बात कर रहे हो, कह रहे हो कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन एक बार अगर युद्ध खत्म हो गया तो तुमने जो कहा उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, बात समझ में। उसके बाद जो कि गांधी जी ने क्रिप्स की बात नहीं मानी, तो गांधी जी ने क्रिप्स को मतलब कि ऐसे पर्सनली बुलाए, ऐसा पूछे कि अच्छा क्रिप्स जो है मतलब सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो क्रिप्स बोला हाँ गांधी जी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप एक बार जो है सोचिएगा जरूर। तो गांधी जी बोले अच्छी जाओ हम तो दे। और जैसे क्रिप्स ब्रिटेन गया गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चालू कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। तो जैसे क्रिप्स ब्रिटेन गया तो ब्रिटेन वहां गया तो विंस्टन चर्चिल था वहां पे, तो उसने विंस्टन चर्चिल को कहा कि मैं गांधी जी को पर्सनली समझाया हूँ और देखिए गांधी जी कुछ अच्छा सोचेंगे, और इधर भारत में गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने कहा ये सही मौका है, अंग्रेज इस समय जो कि कमजोर है, एक काम करो भारत छोड़ो आंदोलन चालू कर देते हैं। लेकिन लेकिन ये क्रिप्स जो था ना ये गांधी जी के पास, जब गांधी जी ने इसके ऑफर को नहीं माना था तो जवाहरलाल नेहरू के पास ही गया था, ठीक है। ये कहाँ गया था? जवाहरलाल नेहरू के पास। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? तुम लोग दोगला हो, ठीक है, तुम लोग दोगला हो, तुम्हारी बातों का कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश अब उस मतलब कि दिवालिया बैंक की तरह हो चुकी है जो कभी भी बर्बाद हो सकता है, बात समझे। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा? बैंक करप्ट बैंक। बैंक करप्सी का मतलब क्या होता है? दिवालिया, और बैंक मतलब तो बैंक, तो जवाहरलाल से क्या का बैंक करप्ट बैंक, इसको टू ब्रिटिश ब्रिटिश या ऐसी समझा। अब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंग्लैंड का पीएम कौन? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, देख इंग्लैंड में पीएम कैंडिडेट में दो ही तीन नाम मोस्टली याद रखा है, और पार्टियां थी दो ही, एक तो लेबर पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है।
लेबर पार्टी से रेमजे मैकडोनल्ड और कंजर्वेटिव पार्टी से विंस्टन चर्चिल। अभी मैं दिखाता हूँ विंस्टन चर्चिल एकदम खतरनाक दिखता था विंस्टन चर्चिल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इंग्लैंड किया, इंग्लैंड किया कौन है विंस्टन चर्चिल। ये कब कौन सा समय है ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। विंस्टन चर्चिल, देख विंस्टन चर्चिल सी से याद रखना कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है सी से याद रखना कंजर्वेटिव पार्टी। विंस्टन चर्चिल किस पार्टी का था, कंजर्वेटिव पार्टी का था। उसके बाद अब जब एक क्रिप्स गया यहाँ से भारत से गया, अच्छा पहली बात अगर कोई पूछे क्या क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल हो पाया, यहाँ पे क्रिप्स सक्सेसफुल हो पाया नहीं हो पाया, ठीक है। गांधी जी ने इसे क्या कर दिया, पोस्ट डेटेड चेक। नेहरू ने क्या कहा, बैंक करप्ट दिवालिया बैंक, दिवालिया बैंक या बैंक करप्ट बैंक, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने से पूछ लिया था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्या, इसने बताया था कि हाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और इसी मौके का फायदा उठा करके महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चालू कर लिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन समस्या ये थी जैसे ही गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया, अंग्रेज ना भारतीयों को अल्टीमेटम दे दिए कि हम लोग अभी युद्ध में बिजी है, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर कोई भी आंदोलन चालू किया तो यकीन मानना गोली से मरवा दूंगा। क्या करना, अगर भारतीयों ने कोई भी आंदोलन चालू किया तो हम क्या करवा देंगे, गोली से मरवा देंगे, गोली से मरवा देंगे। अब देख यहाँ पर ब्रिटेन में तो पीएम कौन है, विंस्टन चर्चिल है, तो भारत में कोई ना कोई वॉइस राय रहेगा। उस वक्त भारत का वॉइस रॉय था ली मिंट गो, ली मिंट गो, ठीक है वॉइस रॉय लिनिट गो। मैं दिखाता हूँ कौन है लिनिट गो, लिनिट गो ये लिनिट गो ये लिनिट गो, ठीक है। भारत का वॉइस रॉय कौन है, लिनिट लिन लिटगो, ठीक है। इंडिया वॉइस ऑफ, इंडिया वॉइस ऑफ लिटगो, लिटगो को विंस्टन चर्चिल ने क्या आदेश दिया कि अगर वहां पर कोई भी आंदोलन होता है सबको क्या करवा दो, गोली से मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब गांधी जी ने जैसे ही, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी इसमें पार्टी कौन है, पॉलिटिकल पार्टी, अबे भारत में कांग्रेस, भारत में कांग्रेस है। तो जैसे ही गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करने की बात करी, नेहरू तो एकदम खिलाफ हो गए कि बोले भाई लिनिट गो ने कहा है कि अगर कोई भी आंदोलन शुरू होता है तो हम क्या कर देंगे, जो है कि गोली से मरवा देंगे, तो गांधी जी आप क्विट इंडिया मूवमेंट मत चालू करो, ठीक है। तो गांधी जी और नेहरू के बीच में थोड़ा सा विवाद होने लगा। तो गांधी जी ने कहा कि देखो नेहरू, तुम ये मत समझो कि ये जो कांग्रेस बनाया है तुमने बहुत बड़ा पार्टी बना लिया है, मैं ना अपनी एक बात अगर एक बार कह दिया ना तो तुमसे ज्यादा बड़ी पार्टी बन जाएगी, ठीक है, तुमसे कहीं बड़ी ज्यादा पार्टी बन जाएगी। तो नेहरू जो कि समझ गया कि भाई गांधी जी सुनने वाले हैं नहीं, अब नेहरू और गांधी के बीच में थोड़ा थोड़ा विवाद होने लगा। अब गांधी ने सोचा कि मैं विवाद के साथ, मतलब कि डिस्प्यूट के साथ ये क्विट इंडिया मूवमेंट तो कर नहीं सकता, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट तभी सक्सेसफुल होगा
जब सभी लोगों का साथ होगा, है ना। तो गांधी ने दिमाग लगाया, कहा कि कैसे मैंने भीमराव अंबेडकर को पॉलिटिकल पार्टी से हटाया था, वो इसपे रिजर्वेशन वाला मुद्दा दे करके उन्होंने सीधा संन्यास ले लिया था, कुछ ऐसे ही मुझे ये क्या नाम है अपना जवाहरलाल के भी साथ करना पड़ेगा। तो अब क्या हो रहा था कि जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में गांधी जी कह रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो वहां पर माइक पर ना सबके सामने गांधी जी ने क्या कहा कि हम भारत को आजाद कराने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट का ऐलान कर रहे हैं, और इस क्विट इंडिया मूवमेंट की जो पूरी की पूरी रूपरेखा है, जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है, उसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को देख रहे हैं। बुढ़वा बहुत फंसा दिया मेरे को एकदम से। अगर मैं यहाँ मना करूंगा तो जनता का जो कि वो छिन जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है तो भाई जनता साथ रहेगी तभी तो तुम इलेक्शन में आ पाओगे। और अगर क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी कह रहे हैं, और अगर नेहरू कह देते नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तो जनता का साथ तो कांग्रेस के हट जाता, और कांग्रेस जब चली जाती तो मुस्लिम लीग जो कि ज्यादा प्रभाव में आने लगती, समझ आ रही है। तो अब इस चीज को जो है नेहरू जो उसमें पड़े दुविधा में पड़ गए, अब करूं तो क्या, अगर ये क्विट इंडिया मूवमेंट में कुछ होता है तो अंग्रेज मारेंगे किसे? नेहरू को। और अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो भी मैं मार खाएगा कौन? नेहरू। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी और नेहरू में जो विवाद था वो धीरे धीरे संभला और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। कितनी बात समझ में आई? पहले ये लिख देता हूँ क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। इस भारत छोड़ो आंदोलन की पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मतलब ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये 8 अगस्त 1942 को इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव को किसने तैयार किया? ऑब्जेक्टिव की जिम्मेदारी थी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ये सारा का सारा भाषणबाजी कहाँ हो रहा है? ये सारा का सारा भाषणबाजी, जैसे देखते हो कि अगर कहीं कोई आंदोलन करना, कोई प्रोटेस्ट करना होता है, तो हर राज्य में एक कोई ना कोई पर्टिकुलर प्लेस होता है ना। जैसे जंतर मंतर नाम सुना होगा, आजाद मैदान सुना होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से मुंबई में ग्वालियर टैंक फील्ड जगह थी, ठीक है, ग्वालियर टैंक फील्ड जगह थी, मैदान थी, वहीं पर ये सारा सारा भाषणबाजी हो रहा था। प्लेस ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक इंडिया मैदान, ये कहाँ है? मुंबई नहीं, यहीं से क्या शुरू हो गया, यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। अब वहाँ विंस्टन चर्चिल को क्रिप्ट ने क्या कहा था कि गांधी जी हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे, और यहाँ भारत में शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। वहाँ क्रिप्ट का पूरा क्या हो गया, कचरा हो गया। उसने विंस्टन चर्चिल को गाली वाली दिया, बोला कि क्या उधर करके आया तू, जो कि यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो गया।
फिर विष्णु चक्री पूछने लगा आधी सही आदमी नहीं है ठीक है, मेरा पूरा इज्जत को डुबा दिया इसने। इसके बाद यहाँ पर विष्णु चक्री ने किसको कॉल किया, लिनित गो को। लिनित गो को कहा कि देख यहाँ पर हम लोग अभी जर्मनी से घुरा रहे हैं, वहां पर तू संभाल, अभी जो भी करना हो कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लिनित गो ने क्या चलाया, ऑपरेशन जीरो आर। लिनित गो ने ऑपरेशन जीरो आर स्टार्ट किया और इस ऑपरेशन जीरो आर के तहत जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको रातों रात उठवा लिया, उठवा के सबको तितर बितर कर दिया, अलग अलग जगह क्या कर दिया, अलग अलग जगह अरेस्ट कर दिया। ठीक है, अलग अलग जगह अरेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब दूसरे दिन सारी पब्लिक इकट्ठा हो तो प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए लीडर चाहिए रहता है, नहीं चाहिए रहता है। और जब लीडर ही गायब हो जाए तो भाई पब्लिक जाए ही कहाँ है, बात क्या, किस चीज की बात उठेगा। तो क्या हुआ कि इसने सारे के सारे जो बड़े बड़े लीडर थे अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को उठा करके अलग अलग जगह बंद करवा दिया। ठीक है, तो पहले मैं इतना लिखता हूँ फिर समझाता हूँ कि किसको कहाँ कहाँ बंद करवाया और इसके आगे क्या स्टोरी। लिनित गो ने क्या स्टार्ट किया, ऑपरेशन जीरो आर। ऑपरेशन जीरो आवर, जीरो आवर। इसके तहत क्या करा, इसने सारे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया, अरेस्टेड ऑल ग्रेट लीडर्स। सारे लीडर्स को इसने अरेस्ट करवा दिया, सारे लीडर्स को जितने भी मेन मेन लीडर्स हैं, और मेन लीडर में देता हूँ और मैं आएगा मेन लीडर्स को अरेस्ट किया, ऑल मेन लीडर्स सभी लोगों को अरेस्ट किया। अब इसमें जैसे कि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, जैसे कि बिहार वगैरह वाले एरिया में जयप्रकाश नारायण थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, उनको उठवा लिया। उसके बाद गांधी जी को उठवा करके पूना के आगा खान पैलेस में भेज दिया। ठीक है, समझा रखा, तो मैं कुछ चीजें याद रखना इसमें, जैसे जयप्रकाश नारायण यहाँ भी देखा हूँ, बिहार से जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों कहां से लीड कर रहे थे, बिहार से। तो इनको बिहार में ही अलग अलग जगह बंद कर दिया, जैसे जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया, हजारीबाग जेल में बंद कर दिया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। गांधी जी को उठा करके मुंबई से कहां ले गए, पूना आगा खान पैलेस में, गांधी जी को कहां ले गए, आगा खान पैलेस, आगा खान पैलेस। ये एक्चुअली उस वक्त गांधी जी को जेल में नहीं रखा जाता था, एक महल था, उस महल में रखा गया था। जैसे कभी कभी जो बहुत बड़े लीडर होते हैं ना उनको जेल में नहीं रखा जाता है, अगर जेल में रख देंगे तो कहते हैं ना कि उनको, उनका जो सम्मान रहता है वो ठेस पहुंचता है, तो पूरी पब्लिक विद्रोह कर देती है। इसलिए इस बार गांधी जी को जेल में नहीं रखा गया, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट ये चल रहा था और इसमें कुछ भी अगर उथल पुथल होता, मान लो कोई लीडर अगर मर जाता तो पूरी पब्लिक जो है विद्रोह कर दी। ठीक है, इसलिए गांधी जी को आगा खान पैलेस में रखा गया, आगा खान पैलेस पुणे में रखा गया। ठीक है, और ये दोनों जो जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद थे उनको कहाँ रखा गया था, बिहार के हजारीबाग जेल और बांकीपुर जेल में। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये है जयप्रकाश नारायण,
और राजेंद्र प्रसाद को तो कौन नहीं जानता है, और गांधी जी को तो कौन नहीं जानता है। तो ये थे इन दोनों जन को कहां बंद कर दिया, हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल और गांधी जी को आगा खान पैलेस। अब जैसे ही इन सबको बंद कर दिया, अब अंग्रेजों ने क्या चाल चला, आकर के जब लोग इकट्ठा हुए तुमको कहा देखो तुम्हारे लीडर आए ही नहीं, तुम लोगों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है, हा? और जो कि तुमको खाली गुमराह किया जा रहा है, अपने अपने घर जाओ। तब से तो उसमें एक लेडी थी उषा मेहता करके, उषा मेहता ने ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंसमेंट कर दिया कि अंग्रेजों की बात कोई भी नहीं सुनेगा, ये अंग्रेज हमारे जितने भी लीडर हैं उनको क्या कर लिए हैं, अरेस्ट कर लिए हैं और हमको गुमराह कर रहे हैं। तब जनता किसी की बात सुनी नहीं, अंग्रेजों को लगी पीटने मारने, क्या झाला हमको तुम लोग जो की गुमराह करवा रहे हो, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। उषा मेहता ने क्या कर दिया, सारी की सारी और जो की पोल खोल दिया। और उसी के साथ जब सारी जनता भीड़ मतलब की इकट्ठा होकर के रोड पर आ गई, तो लिनिट गो ने वो क्या करवाने के लिए हेलीकॉप्टर से गोली मरवाने का प्लान करवा दिया। लेकिन उसी में उषा मेहता ने लीड दिया और अपने साथ 10,000 महिलाओं को सबसे आगे कर दिया। अब 10,000 महिलाएं अगर आगे हैं तो उस वक्त तुम अगर गोली चलाओगे महिलाओं पर तो इंटरनेशनल प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, दुनिया देखेगी तुमको, थू 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 करेगी कि नहीं तुमने महिलाओं पर गोली चलवा दी। इसीलिए विनीत गो का यह प्लान फेल हो गया, वो गोली नहीं चला पाया। बाकी दूसरे दिन 11 अगस्त 1942 को पटना में कुछ स्टूडेंट ने, पटना पहले से बिहार में बहुत मारी मारा करने वाले थे, वो लोग स्टूडेंट कहाँ चले गए, वहां का जो ये सेक्रेटरियट था वहां पर चले गए, और वहां पर चढ़ करके सेक्रेटरियट हाउस पे चढ़ करके वहां का जो ब्रिटेन का झंडा था उसको नीचे उतार दिया, अपना झंडा टांग दिया, और इसी में वहां का मजिस्ट्रेट जो था वो आयर्स था, आयर्स ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसमें 7 स्टूडेंट क्या हो गए, मारे गए। ठीक है, 7 स्टूडेंट मारे गए। उसके बाद जयप्रकाश नारायण क्या किए कि वो हजारीबाग जेल से बांस लगा के कूद करके भाग गए, वहां से भाग के वो जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या करने लगे, लीड करने लगे। बाद में उसके बाद अपने जो मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय ने अंडरग्राउंड रह करके क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया। अंडरग्राउंड रहने की वजह से इन्हें महामना कहा गया, महामना मदन मोहन मालवीय, बस समझे। तो इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे लीड किया, अंडरग्राउंड करके, अंग्रेजों को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन है जो लीड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जब ये सारा का सारा चीज हो रहा था, गांधी जी ने सोचा कि हमको बंद करके रखा है, अब मैं क्या करता हूँ कि भूख हड़ताल करता हूँ। तो गांधी जी भूख हड़ताल कर दिए, जब भूख हड़ताल कर दिए तो अंग्रेज बोले ये बुढ़वा का हमेशा नाटक रहता है, ये हमेशा भूख हड़ताल कर देता है, एक काम करो इनको इस दर मर जाने दो। गांधी जी भूख हड़ताल किए हैं, देख रहे हैं कोई भी ब्रिटिश कोई आ ही नहीं रहा है तो करने के लिए, गांधी जी खा लो या कुछ ले लो, खाना वाना दे नहीं रहा है, और देख रहे हैं कि उधर दूसरी जगह जो है लकड़ी उकड़ी लेकर के जा रहा है। गांधी जी एक जेलर से, अरे लकड़ी उकड़ी कहाँ जा रहा है, बोल रहे हैं कि पिता जला दी है, बोला कौन, कोई मरने वाला है क्या, वो जेलर बोला हाँ तुम मरने वाले हो। गांधी जी बोले तुम लोग मारने के प्लान में हो मुझे, लो मैं जो कि अब हंगर स्ट्राइक नहीं करूंगा, वो खाना लाओ मैं खाना खाऊंगा, बोले जान है तो जान है, नहीं तो क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे चलेगा। गांधी जी ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ा, हंगर स्ट्राइक तोड़ने के बाद अब क्योंकि ये उनको लग रहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि फेल हो जाएगा, लेकिन अंडरग्राउंड होते हुए मदन मोहन मालवीय ने चलाया। ठीक है, फिर उसके बाद जयप्रकाश नारायण कूद के आ गए, फिर उषा मेहता आ गए, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसको लीड किया। उसके साथ साथ जो बिहार के जितने स्टूडेंट थे उन लोगों ने पूरा सेक्रेटरियट पर दंगा कर दिया था। ठीक है, इसी समय चलते बलिया में जो चीतू पांडे नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि बलिया आजाद, 1947 से पहले ही अगर तू हिस्ट्री में देखेगी तो बलिया एक जो डिस्ट्रिक्ट था वो सबसे पहले आजाद हो चुका था 1947 से पहले ही। ठीक है, वहां पर चीतू पांडे ने अपना क्या कर दिया, एक अपना पैरेलल गवर्नमेंट बना लिया, कहा कि बलिया में अब सिर्फ इंडियंस का जो की सरकार चलेगी, बाकी ये जो अंग्रेज हैं उनकी कोई भी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। इन्हें तो कह रहा है कि तुम लोग वहाँ आ जाओगे तो हम लोग क्या करें यहाँ पर, मतलब कि हम लोग की कोई वैल्यू नहीं। तो वो लोग बोले चीतू पांडे, नहीं
अगर तुम लोग को कुछ करना है तो आओ, क्योंकि मारी सारा कर लेते हैं। तो वहां पर अंग्रेज गए नहीं, लिनिटू ने कहा कि भाई यहाँ पे आर्मी है ही नहीं, हमारी आर्मी सारी बिजी है कहाँ पे, जर्मनी से लड़ने के लिए लड़ाई में बिजी है। अब लिनिटू से संभल नहीं रहा है, और वहां उसने विंस्टन चर्चिल को कहा, विंस्टन चर्चिल देखो यहाँ पर कुछ ही संभल नहीं रहा, हमें और आर्मी की जरूरत है, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा। जैसे बलिया आजाद हुआ, देखते देखते मुंबई के सतारा में नाना पाटिल ने अपने आप को वो एरिया को आजाद करा था, बोला कि जो सतारा भी क्या है, अब फ्री है, अब अंग्रेजों के अंडर नहीं रहेगा। तो ये दो स्टेट, दो डिस्ट्रिक्ट याद रखना, दो प्लेसेस, एक बलिया यूपी का बलिया और मुंबई का जो है सतारा है, ये दोनों प्लेस आज 1947 से पहले ही क्या हो चुके थे, आजाद हो चुके थे, यहाँ पर एक पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे ही ये क्या नाम था, लिनिटू ने मांग करी किसकी, आर्मी की, तो वहां पर विंस्टन चर्चिल कहा, अरे पागल वागल है एकदम आदमी, एक तो आर्मी बिजी है लड़ाई में, दूसरा यहाँ पर इंग्लैंड में चलने वाला है इलेक्शन, बात समझे ना, इलेक्शन एकदम सर पे मंडरा रहा था। अब लिमिट ये विंस्टन चर्चिल सोच रहा है कि भाई अगर मैं यहाँ से आर्मी कहाँ से हटाता हूँ, लड़ाई से हटाता हूँ, तो बहुत सारे सोल्जर मारे जाएंगे और हम हार जाएंगे। और जब कभी किसी नेता के रहते हुए, जैसे कोई पार्टी है, कोई सरकार में है, उसके रहते हुए अगर देश हार जाता है, जाहिर सी बात है आने वाले जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन में उसका हारना फिक्स है, ठीक है। तो इसलिए उसने यहाँ पर जो कि कोई भी वो नहीं भेजा, आर्मी नहीं भेजा, बल्कि जब ये बात देखा इंडियंस ने कि भाई यहाँ इंग्लैंड में क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन लड़ रहा था वहां पर लेबर पार्टी का कौन, क्लीमेंट एटली, इसके खिलाफ कौन खड़ा था, रेमजे मैकडोनल्ड के खिलाफ, क्लीमेंट एटली, ठीक है, क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली जो वहां खड़ा था, क्लीमेंट एटली ने कहा कि अगर मैं इस इलेक्शन में जीत जाता हूँ तो मैं 1948 तक भारतीयों को क्या कर दूंगा, आजादी दे दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही भारतीयों ने ये बात सुनी, यहाँ से बहुत सारे भारतीय कहाँ पहुंच गए, इंग्लैंड, और वहां जाकर के किसका प्रचार करने लगे, क्लीमेंट एटली का, वहां जाकर के सबसे घर घर जाकर के पोस्टर वोस्टर छापने लगे। और पहली बार था जब जब इंग्लैंड में ये हुआ कि घर घर जाकर के ये प्रचार करने की प्रथा किसी ने देखा, कि भाई घर घर आकर के कौन प्रचार करता है, वहां पर देखे कि फॉरेन वगैरह में, चाहे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो यहाँ पर रैलीज निकलती है वो लोग, ठीक है, एक जगह भीड़ इकट्ठा होता है और वो सब करते हैं, और घर घर जाकर प्रचार करने की प्रथा कहाँ पे, व्यवस्था कहाँ है, भारत में ही। तू हाँ, तू चाहे अगर कहीं पंचायत का इलेक्शन देख ले, तो घर घर जाते हैं ना सब लोग वोट मांगने की, हाँ हमें जिताइए, हम ये देंगे, हेलीकॉप्टर देंगे, या वो सब बहुत बहुत वो लोग वादा वादा करते हैं। तो ऐसे ही सारे के सारे इंडियंस कहाँ पहुंच गए, ब्रिटेन में, इंग्लैंड पहुंच गए, और वहां क्या करने लगे कि वोट फॉर एटली, वोट फॉर एटली, एटली का बिना कुछ कहे ही एटली का क्या हो गया, प्रचार हो गया, और इंग्लैंड की जनता भी त्रस्त हो गई, क्योंकि अब जितने सैनिक युद्ध में शामिल थे वहां से बहुत सारे लोग क्या हो गए, उनकी मृत्यु हो रही थी, उनके घर वाले क्लीमेंट इससे चर्चिल से नाराज थे, क्या जरूरत थी जो कि बिना किसी बात के तुमको यहाँ युद्ध में शामिल होने की, हमारे लोग मर रहे हैं। उसके बाद भारत से, जो भारत में अंग्रेज थे, उन लोग को पीट पीट के कौन भेज रहा था, भारतीय भेज रहे थे फिट इंडिया मूवमेंट के तहत, सब लोग मरा मरा के जा रहे थे। अब वहां की जनता भी पूरी तरीके से इससे त्रस्त हो चुकी, चर्चिल से त्रस्त हो चुकी, वो लोग भी चाहते थे कि अब ये चर्चिल ना रहे। और जब इलेक्शन होता है तो क्लीमेंट एटली जीत जाता है, और क्लीमेंट एटली जीतता है तो उसके बाद फिर क्लीमेंट एटली ने कहा कि अब भारत में एक मिशन भेजा जाए, मतलब कुछ मंत्रियों का समूह भेजा जाए, जिसे कहा गया कैबिनेट मिशन। और भारत में कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आने के बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है, जैसे कि उन लोग कहते हैं कि भाई ठीक है भारतीयों को हम लोग आजादी दे देंगे, लेकिन तुम लोग कैसे चलाओगे, कैसे मतलब देश को संभालोगे, पहले तुमको सीखना पड़ेगा ना। तो उन लोगों ने मतलब कि कहा कि आप एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, ठीक है, फिर जो कि जो भी प्रोविंस है, क्योंकि उस वक्त तो बहुत सारे राजा महाराजा थे, फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा कब्जाए गए जगह थे, ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो हमने कब्जाया है वो तो हम तुम्हें दे देंगे, इंडियन मतलब इंडिया के गवर्नमेंट को, लेकिन जो राजा महाराजा वाला एरिया है, जहाँ पर नवाब है, उन लोग को हम लोग स्वतंत्र छोड़ते हैं, उन्हें किसके साथ जाना है, लाइक ये
पाकिस्तान के साथ जाना रहेगा कि इंडिया के साथ जाना है, उनको स्वतंत्र छोड़ेंगे। तो ये सब सारी सारी चीजें होती है और उसके बाद धीरे 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 जाकर के वेवल आता है और वेवल फिर वेवल समझौता होता है। वेवल समझौता कहाँ होता है? शिमला में होता है। शिमला में वेवल कहता है कि जैसे जब गवर्नमेंट बनेगी या कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो कुछ यहाँ से कांग्रेस की तरफ से रहेंगे और कुछ जो कि लोग हिंदू रहेंगे, कुछ मुस्लिम रहेंगे। ये सारी की सारी स्टोरी हम लोग अभी इसके आगे समझेंगे, लेकिन पहले ये जो क्रिप्स मिशन वाला और कैबिनेट मिशन के पहले वाला सिस्टम है उसको हम लोग खत्म कर देते हैं। ये स्टोरी समझ में आई क्या? किस तरीके से क्लीमेंट एटली की जीत होती है और कंजर्वेटिव पार्टी का जो लीडर रहता है क्रिस्टियन चर्चिल वो हार जाता है। इतना चीज क्लियर है? तो यहाँ से मैं थोड़ा वो लिख देता हूँ ये वाला स्टोरी, ठीक है। गांधी जी को आगा खान पैलेस में बंद कर दिया था। उसके बाद इस जो पूरा का पूरा इसने बताया कि इन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। मैंने क्या कहा कि हमारे जितने भी लीडर है उनको अरेस्ट कर लिया है, इसलिए कोई भी अंग्रेजी की बात ना सुन। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो का अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंस ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो अबाउट लीडर अरेस्ट, लीडर अरेस्ट। और इन्होंने अपने साथ इतनी महिलाओं को लेकर के रोड ब्लॉक किया, 10,000 महिलाएं। तो भगवान करेंगे तो स्टोरी दिमाग में रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद 11 अगस्त 1942 को घटना होती है। बिहार के पटना के जो स्टूडेंट रहते हैं कहाँ प्रोटेस्ट भाग लेते हैं, और ये लोग कहाँ पर चले जाते हैं? पटना के सेक्रेटरिएट पर। वहाँ का फ्लैग क्या कर लेते हैं? नाउ और भारत का फ्लैग वहाँ लगा देते हैं। एंड उसके इंडियन के बाद वहाँ का जो मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट कौन था? आयर्स। आयर्स ने क्या ऑर्डर दे दिया? ऑर्डर फॉर गन फायर। और इस गन फायर में कितने स्टूडेंट की डेथ हो जाती है? 7। मैं समझा गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया?
हंगर है, हंगर स्ट्राइक। और फिर उसको कुछ टाइम बाद तोड़ दिया, जो तोड़ा वो स्टोरी बता दिया। क्लियर हो गया। उसके बाद जो मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय ने इस तरीके से लीड किया अंडरग्राउंड पर। अंडरग्राउंड लीडर मदन मोहन मालवीय, मदन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। इसलिए उनको क्या कहा जाने लगा, महामना मदन मोहन मालवीय, ठीक है, महामना। महामना ठीक है, महामना लिख दो तो समझ में आ जाएगा ना, महामना मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ओके। लिनित गो ने किस चीज की डिमांड करी, आर्मी, लिनित गो डिमांडेड और आर्मी, कहां से, ब्रिटेन से, क्या उसे मिला। अब इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन कौन से दो प्लेस अलग हो गए, प्लेस ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, कौन कौन से, एक कलिया, कलिया वहां से कौन थे, सीपी पांडे, ठीक है, और दूसरा कौन सा, सतारा, मुंबई, कौन थे, नाना पाटिल, नाना पाटिल। इन लोगों ने 1947 से पहले ही ये जगह क्या करवा लिया था, आजाद करवा लिया था, फ्री करवा लिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड में इलेक्शन की, इंग्लैंड इलेक्शन, इंग्लैंड में इलेक्शन पार्ट, कौन कौन सी पार्टियां थी, एक तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, पार्टी लेबर और कंजर्वेटिव, लेबर कंजर्वेटिव, लेबर पार्टी की तरफ से कौन था, ठीक है, कंजर्वेटिव होते हैं, और यहाँ से पावर में कौन था, चर्चिल था, बाद में जीतता कौन है, इटली, इटली इलेक्शन,
इटली का सब प्रचार कौन कर किया, इंडियंस ने इसका फ्री में प्रचार किया इटली का, ठीक है। इटली कौन था, ओके हाँ यार ये था इटली, और वो गुस्से से देख रहा है वो, इंडियन ने इसका फ्री में प्रचार किया, क्या कहते हैं प्रचार को, एडवर्टाइजमेंट, इंडियंस। और इसने इसने कब तक इंडिया को आजाद करने के लिए कहा था, 1948, इंडिया क्या हो जाएगा, इंडिया, ठीक है इसका मंसा था, ठीक है 48 रहेगा, लेकिन भारत कब आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947, ठीक है 15 अगस्त 1947। अब ये भारत को आजादी के लिए क्या भेजेगा, कैबिनेट मिशन, भारत को आजाद करने के लिए कुछ प्रोसीजर करना पड़ेगा कि नहीं, वहां से उनको गवर्नमेंट कैसे चलानी है सिखाना पड़ेगा, उसका खुद का संविधान कैसा होना चाहिए वो बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हिंदू मुसलमान में फूट डाल के अब सेपरेशन भी करवाना पड़ेगा, है कि नहीं। ये लोग भारत को इस तरीके से छोड़ के जाएंगे कि भारत संभल न पाए, ये इन लोग का पूरा मोटो था, ठीक है। लेकिन वो थे उस वक्त के जो लोग जिन्होंने देश को इस तरीके से समेटा, नहीं तो भारत संभलने लायक स्थिति में तो था नहीं, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ क्या, क्रिप्स मिशन पूरा एकदम समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए, समझते हैं हम लोग जो कैबिनेट मिशन चला, कैबिनेट भारत में उसने भेजा कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया ये, 1946, 1946 बात नहीं है, 1946 कैबिनेट मिशन में तीन मेंबर क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स वही क्रिप्स है जिसको चर्चिल ने किस लिए भेजा था, प्रस्ताव लेकर के गांधी से क्या कहो कि हमें और लोगों को रिक्रूट करके दे, तो क्या ये क्रिप्स है, क्या ये क्रिप्स लीडर बन पाएगा इस कैबिनेट मिशन का, नहीं क्रिप्स इस कैबिनेट मिशन का लीडर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो तीन मेंबर एक याद रखना काल से, CAL काल, पहला था क्रिप्स, दूसरा था अलेक्जेंडर, तीसरा था लॉरेंस, ठीक है लॉरेंस, ये तीन लोग। अब इसमें लीडर कौन था, ल से लॉरेंस और ल से लीडर, तो लीडर बनाया गया लॉरेंस को लीडर बनाया गया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946 में, कितने मेंबर थे, तीन मेंबर, लीडर कौन था, लॉरेंस, ठीक है लॉरेंस समझे। अब मैं यहाँ इन लोग को दिखा दूँ, क्रिप्स को तो पता है, क्रिप्स को दिखाई देता हूँ, ये था क्रिप्स, हाँ ओबीसी से आते रहता है तो बताना पड़ता है, यहाँ पर पूरा डिटेलिंग चलता है ना। अलेक्जेंडर और आएगा लॉरेंस, ये है लॉरेंस, ठीक है लॉरेंस, इतना चीज क्लियर हुआ। अब इन सब का मोटो क्या था, तो भारत में
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करवाना और इंट्रीम गवर्नमेंट बनवाना। बात समझे? मैं यहाँ लिख लू इसका जो मोटो था, मोटो यहाँ लिख लेता हूँ। मोटो क्या था पहला? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और दूसरा इंट्रीम गवर्नमेंट है ना, इंट्रीम मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट। चीज क्लियर है? अब देखना, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाएगा तो इसमें कुछ लोग होने चाहिए है ना, जो मिल करके क्या बनाए, भारत का संविधान बनाए। तो कोई भी कह रहा है कि भाई हम जो कि हम भी संविधान बनाएंगे, कोई जो है लकड़ी धोने वाला है वो भी कह रहा है हम भी संविधान बनाएंगे है, कोई जो है नाली खोद रहा है वो भी कह रहा है हम भी संविधान बनाएंगे। तब बोले मतलब कोई भी आके संविधान बनाएगा। तब डिसाइड किया गया कि 10 लाख पर एक इंसान होगा, ठीक है, 10 लाख पर एक इंसान होगा जो क्या करेगा, अपने देश का संविधान में भागीदारी लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके जो मेंबर्स थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कुल 389 मेंबर्स चुने गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए कुल कितने मेंबर चुने गए? 389। ये सारी चीजें हमने पॉलिटी में पढ़ लिया है, वैसे ये पॉलिटी का हिस्सा है, ठीक है। तो टोटल जो मेंबर थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 389 मेंबर, ठीक है, 389 मेंबर। इतना समझा? उसके बाद इसमें कहेगा कि जो ये सारा का सारा ये चीज कहाँ हुआ, ये लोग गए 1946 में, कहाँ पर, पार्लियामेंट में, सेंट्रल हॉल में, ठीक है, सेंट्रल हॉल में गए। और वहां पर जाने के बाद ये डिसाइड हुआ कि अच्छा ठीक है, किस तरीके से ये हमारा संविधान वगैरह किस तरीके से बनेगा, इन सारी चीजों की चर्चा होती है। खैर ये जो हमने देखा है पूरा पूरा पॉलिटी में, ये पूरा मैं डिटेल से वो नहीं डिस्कस करूंगा यहाँ की। अच्छा हाँ, कितने महिलाएं थी इसमें, कितना ये हुआ, ठीक है, डिवीजन वगैरह होने के बाद ये सारा 389 में से। लास्ट में अगर हम देखेंगे, जब जिन्ना ने क्या चालू कर दिया था 1946 में, जिन्ना ने चालू कर दिया था डायरेक्ट एक्शन प्लान। डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत 1947 में जब डिवीजन होता है, 1947 में भारत का डिवीजन होता है, तो क्या हो जाता है, मतलब भारत आजाद होता है, तो 14 अगस्त 1947 को भारत से उसको अलग कर दिया जाता है, पाकिस्तान को, ठीक है। जब पाकिस्तान अलग हो जाता है तो जो 389 मेंबर हैं, उनमें से कुछ मेंबर पाकिस्तान में भी चले जाएंगे, ठीक है। तो आफ्टर डिवीजन जो भारत में मेंबर बचते हैं वो 299 मेंबर बचते हैं, ठीक है, बस ये इतना याद रखना, मेंबर आफ्टर डिवीजन, आफ्टर डिवीजन कितने हैं, 299। इसमें 15 महिलाएं भी शामिल, ठीक है, 15 फीमेल इंक्लूडेड, 15 फीमेल इंक्लूडेड, बात समझ आगे, 15 फीमेल इंक्लूडेड। और इन सब ने मिल करके क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया। ना समझ में? ओके, अब देख, जैसे ये सारा का सारा चीज मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनना शुरू होने वाला था, उसके पहले ही क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले ही, मतलब कि भारत की आजादी मिलने से पहले ही, 19 फरवरी 1946 को एक नेवी का शिप था INS तलवार, वहां के सैनिकों ने भी क्या कर दिया था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। क्यों कर दिया था? कि वहां पर जो इंडियन सोल्जर्स होते थे उनको अलग खाना दिया जाता था, जो ब्रिटिश सोल्जर होते थे उनको हाई क्वालिटी का खाना दिया जाता था, इंडियन सोल्जर्स को कम पैसे दिए जाते थे, ब्रिटिश सोल्जर्स को ज्यादा पैसे दिए जाते थे। इसी चीज को लेकर के जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो उसी तहत कब 19 फरवरी 1946 को INS तलवार पर
जो रिवोल्ट हुआ उसे कहा गया नेवी रिवोल्ट, नेवी रिवोल्ट। तो एक चीज इसमें याद रखना कली, क्या नेवी रिवोल्ट कब हुआ? नेवी रिवोल्ट ये होता है 19 फरवरी 1946 को। किस पर? कौन सा जो कि जहाज था? INS तलवार, INS तलवार। रिवोल्ट किस लिए हुआ था? इसलिए इक्वल वेजेस और फूड के लिए, और इक्वल वेजेस एंड, ठीक है, इक्वल वेजेस एंड। और यहाँ पर जो भी सोल्जर थे उन लोगों ने विक्टोरिया का फ्लैग हटा करके आजाद हिंद की फ्लैग को लगा दिया है। बस समझ में, ये था INS तलवार, ठीक है, INS तलवार। और इस तरीके से भारत में भारत की आजादी होती है 15 अगस्त 1947 को, और भारत में क्या शुरू हो जाता है? अब 1947 में आजादी मिलने के बाद भी क्या सारे के सारे अंग्रेज चले गए थे? नहीं, अभी तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, इंटरिम गवर्नमेंट है, तो जो कि यहाँ पर लास्ट जो भारत में जो अंग्रेज रहा, लॉर्ड माउंटबेटन वगैरह जो रहा, वॉइस रॉय रहा, वो सब अभी रहेंगे। वो सारी सारी स्टोरी हम लोग दूसरे लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन और क्विप मिशन समझ में आ गया? अभी इतना रखते हैं, आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।